चलिए अब सीधा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई थी, इसको लेकर अब जानकारी दे रहे हैं मंत्री। और अनुमोदित किया गया है भारत सरकार द्वारा और जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन नदियों के गंगा शरण विभाग के द्वारा, ये हमें 46,605 करोड़ का अनुमोदन निर्गत किया गया है। अनुमोदित केन बेतवा लिंक परियोजना के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों में प्रथम कार्य केन नहर प्रणाली पुनरुद्धार कार्य की परियोजना प्राकलन लागत 1,191.59 करोड़ का अनुमोदन केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली के द्वारा किया गया है, जिस पर उत्तर प्रदेश भी सरकार ने व्यय समिति के बैठक में सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। अब बुंदेलखंड क्षेत्र में जनपद बांदा के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र हमारा जो है 87,784 हेक्टेयर के अतिरिक्त और 89,191 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा। इस प्रकार जनपद बांदा में केन नहर प्रणाली से इस परियोजना से कुल 1,66,975 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा लगभग 1,60,000 किसानों को इससे लाभ प्राप्त होगा। ये हमारी महत्वपूर्ण 3 परियोजना थी जो आज कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ। माननीय धर्मपाल जी से अनुरोध करेंगे, ये विषय बहुत इम्पॉर्टेंट, खासतौर से आज जो मंत्रिपरिषद से अनुमोदन मिला है। धर्मपाल जी, प्रदेश में पराशिक्षा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाने हेतु नीति तैयार करने के संबंध में आज निर्णय लिया गया है। पैरावेट्स द्वारा पूरे विश्व में महान महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। उत्तर प्रदेश में पशुओं की कमी है, उनकी पूर्ति के लिए हम ये लाए हैं। 2019 की पशु गणना के अनुसार 190.19 लाख गौवंशीय पशु है, 330.16 लाख मैच वंश, 144.80 लाख बकरी, 9.84 लाख भेड़। ये जो पैरावेट्स हैं इनसे माइनर वेटरनरी सर्विस, जिसमें टीकाकरण, घाव की पट्टी तथा प्राथमिक उपचार आदि कार्य किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पैरावेट्स पशु शिक्षा एवं देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है तथा वहाँ पशुओं की संख्या सीमित है। देश में पशुओं की संख्या केवल 34,500 है, उत्तर प्रदेश में ये संख्या 8,193 प्रशिक्षक उपलब्ध है, जो काफी कम है। उक्त दृष्टिगत प्रशिक्षकों के क्षेत्र में पैरावेट्स के द्वारा कुछ निर्धारित कार्य प्रशिक्षिका के क्षेत्र में कराए जा रहे हैं और उनके द्वारा माइनर वेटरनरी सर्विस, जिनमें मैंने अभी बताया, देखभाल, पर्यवेक्षण आदि कराया जाता है। पैरावेट्स को ग्रामीण क्षेत्रों में